एक तो मम्मी जैसे यहाँ रहती हैं, कभी कभी भैया रहता है, कभी पापा आ जाते हैं, तो चेंज कर करके देखो, एक मेरी ही गृहस्थी नहीं है, उनकी भी एक गृहस्थी है, मम्मी पापा की, भैया भाभी की। और भैया भाभी रहते हैं तो देखो, भैया को यहाँ रह रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी भी यहाँ है, फिर हम उन्हीं के पास कहीं रेंट पे जैसे रह के हम पा रहे हैं उनके पास, के आने जाने में ज़्यादा डिस्टेंस ना हो और दोनों घर अच्छे से चलते रहे। क्योंकि देखो, मैं गांव में नहीं रह सकती अपने बच्चों को लेकर। फ्रेंड्स, सपना की ज़िंदगी में मुसीबत है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। अभी सुनने में आया था कि सपना ने करीबन 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाया। उसके बाद सुनने में यह आया कि वो गुजरात गई बतौर वो उन्होंने सब कुछ लेके आई, अपने पास सेटअप बिठाया, उसके बाद उनके साथ फ्रॉड हो गया। जी हाँ दोस्तों, उनके पास एक कॉल आया। कॉल आने के बाद में सुनने में आ रहा है उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सपना बहुत ज़्यादा उदास थी और सपना ने शायद इसी वजह से कुछ फैसले लिए कि सपना को अपनों के पास रहना चाहिए। सपना जबलपुर में बहुत ज़्यादा अकेली हो गई है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अचानक सपना क्यों छोड़ रही जबलपुर के, ऐसा तो नहीं कि सपना का शिवी के साथ भी रिश्ता ख़राब हो गया है? क्योंकि कहा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा मिठास होता है वहीं चींटियाँ पड़ती है, तो रिश्तों में थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी चाहिए। सपना को बहुत से लोगों ने पहले से ही ये सजेशन दिया था कि देखिए, जब भले ही वो आपका मायका हो, भले ही वो आपके दोस्त हो, पर थोड़ा सा डिस्टेंस हमेशा मेंटेन करके रहिए ताकि आपके रिलेशन सबके साथ अच्छे रहे। क्योंकि अभी आप जिस कंडीशन में हैं वहाँ आपका फ़ायदा भी बहुत से लोग उठाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर है, एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, और आप उन अबला नारियों में से भी नहीं हैं कि जिनके पास 1 रुपये भी नहीं होता। आपके पास पैसे है तो बहुत से लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपके नाम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कृपया लोगों से दूर रहिए। तो सपना ने भी शायद ये सब बातें समझे, समझ में आया उनको थोड़ी सी, और उन्होंने ये सब डिसीज़न लिया। अचानक फिर ये सुनने में आया कि उन्होंने अंशु से बात करना भी टोटल बंद कर दिया है, और अंशु और सपना का रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जितना प्यारा रिलेशन इनका हुआ करता था, पर एक छोटी सी गलतफहमी ने इन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया है। क्योंकि अंशु वीडियोज़ बहुत कम बनाती है और अंशु सपना का नाम बिल्कुल भी नहीं लेती है अपनी व्लॉग्स में।